धनबाद समाहरणालय परिसर में डीसी संदीप सिंह तथा एसएसपी संजीव कुमार ने मोबाइल न्यूट्रिशन वैन एवं पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिले के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पोषण अभियान योजना 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा। पूरा एक माह पोषण माह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पोषण योजना के तहत सभी को डीसी ने शपथ भी दिलाया। वहीं डीसी ने कहा कि पूरे एक माह पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र या रथ पहुंचाएगी, जहां लोगों को सही पोषण को लेकर जागरूक किया जाएगा। वहीं मोबाइल न्यूट्रिशन वैन की शुरुआत किया गया। यह पूरी तरह से हाईटेक है। जरूरतमंद बच्चों को कंप्यूटर की जानकारी दिया जाएगा। लोग राष्ट्रीय पोषण माह सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसके तहत जिला स्तर से लेकर और पंचायतों में, गांवों में, आंगनबाड़ी केंद्र तक अलग अलग जागरूकता के कार्यक्रम महिलाओं को, बच्चों को पोषण से संबंधित, उनके स्वास्थ्य से संबंधित क्या सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ लोगों को दिया जा रहा है उसके बारे में जागरूक करना, कैसे वो स्वयं से अच्छा खाना और अच्छी जो प्रैक्टिसेज हैं, साफ़ सफाई है, हाइजीन है, उसको ध्यान में रखें। इसी कड़ी में पूरे एक महीने का एक जागरूकता सह योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्यक्रम चलेगा। तो उसी कड़ी में आज यहाँ से न्यूट्रिशन ऑन व्हील्स के नाम से हम लोगों ने दो अवेयरनेस वैन से यहाँ से रवाना की हैं, जिनमें सभी जानकारी के साथ में और आवश्यक डेमोन्स्ट्रेशन की सुविधाएं हैं, वो सभी गाँव में अलग अलग एरियाज में भ्रमण करेंगी। तो ये आज का यहाँ कार्यक्रम, मैं जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि अलग अलग जो योजनाएं हैं महिला और शिशु स्वास्थ्य और उनके पोषण से संबंधित, उनकी विधिवत मॉनिटरिंग, उनका फोर्सफुल इम्प्लीमेंटेशन फील्ड में, तो उसके लिए भी अलग अलग दिन के अलग कार्यक्रम, पूरा एक महीने भर का रोस्टर निर्धारित है, वो जिला स्तर से लेकर और आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर। विशेष रूप से आंगनबाड़ी केंद्र ही उनके मुख्य कार्य बिंदु हैं, मुख्य कार्य सेंटर है, तो वो हम लोग पूरे एक महीने का कार्यक्रम विस्तृत माइक्रो प्लान तैयार करके कार्यान्वयन कर रहे हैं। सी और जिला CSR कमेटी के सहयोग से डिस्ट्रिक्ट जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम है, उनके द्वारा वर्ड ऑन व्हील्स एक ACC के द्वारा बस है, जिसमें हाईटेक फैसिलिटीज़, कंप्यूटर्स और अपने एरियाज़ के जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, जो टैलेंटेड हैं लेकिन आर्थिक या किसी और कारण से, चाहे वो खुद से प्रशिक्षण करने में सक्षम नहीं है या उनको कोई और दिक्कत है, तो उनको चिन्हित करते हुए और उनको ट्रेनिंग देने का काम कंप्यूटर स्किल्स में, बेसिक सॉफ्ट स्किल्स में, बेसिक मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स, ताकि आगे वो जॉब के योग्य बन सके, उनको कहीं दूसरी जगह अलग अलग संस्थानों से समन्वय करके उनको जॉब किया जा सके। तो वर्ल्ड ऑन व्हील से एक लगभग 70-80 लाख के पूरी कुल लागत से, उसी में अलग अलग क्षेत्रों में उसको मूव करके स्थानीय स्तर पर जो ग्रामीणों, गाँव में बच्चे हैं, उनको कंप्यूटर्स की और बेसिक ट्रेनिंग वगैरह दी जानी है, सारी सुविधाएं उसी वैन में ही लैस हैं। तो वो एक ACC के सहयोग से आज यहाँ शुभारम्भ, SSP साहब, बाकी जिले के सभी पदाधिकारी, DDC, AC और सभी विभागों के पदाधिकारी, तो वो भी आज फ्लैग ऑफ कर सकते हैं।